के सामने प्रस्तुति दी आदिवासी डांस। तालियों से स्वागत करें और हमारे बीच सामाजिक क्षेत्र श्री के एन भरत साहब की फैमिली और संतोष भरत जी, मैडम हिना सईद जी भी हमारे बीच हैं, साथ में सामाजिक गतिविधियों में पूजा मेहरा जी सम्मानित कर रही हैं, स्वागत कर रही हैं। ओम प्रकाश जी भी हैं, साथ में सईद इकबाल जी भी हैं। हमारे आज के जो सामाजिक गतिविधियों से, सामाजिक कार्यों से जुड़ी हमारी महिला बहनें हैं, उनका स्वागत सम्मान करते हुए हम हिना सईद जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि दो शब्द इस खास मौके पर कहें। नमस्कार, और सबसे पहले पूजा जी और उनके हस्बैंड को बोलना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है पूर्णिया में, और ये बहुत ही सक्सेस हुआ है और इतने लोग यहाँ पे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमेशा पूर्णिया में ये सब आगे भी होता रहे तो और भी अच्छा है। बस यही कहना चाहूँगी पूजा जी को, उनके हस्बैंड को बहुत बहुत थैंक्स। ओम प्रकाश जी में देख रही हूँ कि वो बहुत ही अच्छे से ये प्रोग्राम को सक्सेस बनाया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आभार प्रकट कर इसलिए करती हूँ कि पूजा हमारी बेटी की समान है और बेटी बेटी ही है हमारी, तो इससे बड़ा मेरी बेटी कोई कार्य करे और मेरे लिए इससे बड़ा गर्व का कोई बात नहीं हो सकती। पूर्णिया के लिए, पूर्णिया के इस धरती के लिए जो बाहर से भी, नेपाल से भी लोग आए और हमारे मुंबई से भी आए, तो उनके सबके लिए ये बुलाना और इनके बुलाने पे आ जाना और इस मंच को साकार बनाना ये बहुत बड़ी बात है। 24 न्यूज़ को मैं फिर से धन्यवाद देती हूँ कि ऐसा कार्य इससे और अच्छा होगा, आगे जो करेंगे भविष्य में हमेशा अच्छा ही होगा। पूजा को धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं अपने आयोजक स्थान जी को माफी मांगूंगा सभी लोगों से कि मैं काफी विलंब अपने पूर्णिया दुनिया को दिखाने के बारे में सोचा। एक ट्रेड एक्सपो लगाया गया, जो समय में मुझे रहना चाहिए था तो कहीं ना कहीं मैं लेट रहा हूँ। ये बहुत बड़ी मैं धन्यवाद दूंगा आप लोगों को कि पूर्णिया में पहला बार हमारे ख्याल से सेकंड ट्रेड एक्सपो लगा है और मैं इससे जुड़ नहीं पाया, लेकिन ये एक विश्वास जो हमको ये थोड़ी देर के जब मैं यहाँ आया और मैंने जो स्टॉलों की संख्या देखी और साथ में यहाँ उपस्थित इस गर्मी में आप लोग को भी बैठे हुए देखा, तो डेफिनेटली ये एहसास हुआ कि पूर्णिया जो है अब व्यापारिक दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हो गया है। इसके पहले हम लोग ऑटोमोबाइल में, मेडिकल में एंड एजुकेशन में भी हम लोग थे, अब हम लोग ट्रेड में भी जो है एक बेहतर करेंगे और साथ में नेपाल भी हमारे साथ एसोसिएट हुआ है, उसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा क्योंकि यहाँ एक तरह से इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लग गया है, इसलिए मैं धन्यवाद दूंगा, साधुवाद दूंगा सभी आयोजकों को कि उन्होंने बेहतरीन कार्यक्रम किया है और पुनः मैं क्षमा मांगूंगा कि मैं समय को उपस्थित नहीं हुआ, कि मेरा योगदान होना चाहिए था, कहीं नहीं कहा उसमें मेरी कमी रही, इसके लिए मैं तहे दिल से क्षमा मांगूंगा। धन्यवाद। बिल्कुल, वो कहावत है ना, देर आए दुरुस्त आए,
तो बिल्कुल दुरुस्त आए और बिल्कुल समय पर आए। और आपने स्टॉल का मुआयना करते वक्त देखा भी होगा कि जो नहीं लगेगा। धन्यवाद दे दीजिए कम से कम। पूजा और ओम प्रकाश जी को बहुत बहुत बधाई इस कार्यक्रम के लिए। थोड़ा सा टाइमिंग का इस मेला को लेकर भी थोड़ा सा हो गया कि मार्च लास्ट में पड़ा। यही अगर मेला होता 15 अप्रैल के बाद होता तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि इसमें व्यापारियों का ज़्यादा सहभागिता होती है और सभी व्यापारी और सभी लोग मार्च क्लोजिंग की वजह से थोड़ा अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। फिर भी जितने इसमें उपस्थिति है सराहनीय है। जो लोग भी आए हैं इस मेले में पार्टिसिपेट किए हैं सभी लोगों का दिल से आभार है मेरे तरफ से भी और बिहार ऑफ ओम प्रकाश जी और पूजा की तरफ से। थैंक यू बहुत सम्मानित करें। इस बीच हमारे पांडाल में श्री के एन भारत साहब भी उपस्थित हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। श्री अनिल चौधरी जी, उनका भी हम स्वागत। Andra
16, व्यायाम योग 4, विभाग 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, अक्रमा. अर्धकटी चक्रासन तारासन विभाग सब 16, वीरभद्रासन वृक्षासन विभाग सर 16, अक्रम. त्वसंसुधिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम् अक्रोध त्याग शांति अपैसुनम् दया भूते सुवलोलुक्तम् मार्दवम् हर्य चापलम् तेजः चमदुति सोचम् अद्रोह नातिमानिता भवन्ति संपदं देवीम् विजातस्य भारत दम्भः दर्पः अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं च अभिजातस्य पार्थसंपदम् आसुरिं देवी संपद्विमोक्षाय निवन्दाय आसुरीमता मासु च संपदं देवीम् अभिजात असि पाण्डव दो भूतः सर्गो लोके अस्मिन् देवासुरेव च देव विस्तर्ष प्रोक्त आसुरं पार्थमे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुर न शोचं न अपि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यम् अप्रतिष्ठं ते जगत् आहु अनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किम् अन्यत्वं हेतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्ट आत्मान अल्पबुद्ध्या प्रभवन्ति उग्रकर्मान छायाय जगत अहिता कामम् आश्रित दुष्पूरं दम्भमान मद अन्विता मोहाद्धृत्वा सद्ग्रहान् प्रवर्ते असुचिव्रता. हेलो, यहाँ पे उपस्थित सभी अतिथिगणों को प्रिया सिन्हा का प्यार भरा प्रणाम. मैं बता दूँ कि मैं प्रिया सिन्हा पूर्णिया की निवासी हूँ और महाकाली हुंडई में एज ए BSc वर्किंग गर्ल हूँ और साथ साथ मैंने अपने पैशन को कभी भी दबने नहीं दिया, रुकने नहीं दिया, मिटने नहीं दिया. चाहे किसी ने मेरा साथ दिया या ना दिया, मैं हमेशा लिखती रही. और जानकारी के लिए बता दूँ कि मैं 2000 से निरंतर अपने स्कूल के समय से लिखती आ रही हूँ और लिखते लिखते मुझे 23 वर्ष हो चुके हैं और अब तक मैंने 300-400 रचनाओं का
कर चुकी हूँ अपनी रचनाओं की प्रस्तुति और आप मुझे सुन सकते हैं यूट्यूब पे, नवजोतो कोर्ट पे, योर कोर्ट पे पढ़ सकते हैं, फेसबुक पे देख सकते हैं। तो प्रस्तुत करूँगी ज़्यादा वक्त ना लेते हुए दो एक रचना। भी बहुत है हंस कर बोला भी बहुत है, हंस कर ताला भी बहुत है, हंस कर बोला भी बहुत है, हंस कर ताला भी बहुत है, अपने सभी परेशानियों को वक्त पर डाला भी बहुत है, हंस कर बोला भी बहुत है, हंस कर ताला भी बहुत है, अपनी सभी परेशानियों को वक्त पर डाला भी बहुत है, गिराने की कोशिश की वक्त ने, गिराने की कोशिश की वक्त ने मुझे हरदम हर वक्त, परंतु हरदम हर वक्त मैंने खुद को संभाला बहुत है, परंतु हरदम हर वक्त मैंने खुद को संभाला बहुत है। अब मैं अपनी दूसरी रचना प्रस्तुत करूंगी जिसका शीर्षक है पागल। दुनिया में हर कोई पागल है, कोई किसी के प्यार में पागल है, कोई किसी के तकरार में पागल है, कोई पागल है इजहार मोहब्बत में तो कोई किसी के इनकार में पागल है, दुनिया में हर कोई पागल है। फिर से सुनिएगा कि दुनिया में हर कोई पागल है, कोई किसी के प्यार में पागल है, कोई किसी के तकरार में पागल है, कोई पागल है इजहार मोहब्बत में तो कोई किसी के इनकार में पागल है, दुनिया में हर कोई पागल है। कोई अपने रोजी रोजगार में पागल है, कोई अपने रोजी रोजगार में पागल है, कोई रोजी रोटी के जुगाड़ में पागल है, कोई पागल है इस रोजी रोजगार में पागल है, कोई रोजी रोटी के जुगाड़ में पागल है, कोई पागल है संपूर्णताओं में भी तो कोई हालात वक्त की मार में पागल है, दुनिया में हर कोई पागल है। कोई खुशी से अपने परिवार में पागल है, कोई दुखी हो उनसे तिरस्कार में पागल है, कोई पागल है उन्मुक्त गगन में भी तो कोई बंद दयारो दीवार में पागल है, दुनिया में हर कोई पागल है। कोई अपने बच्चे के दुलार में पागल है, कोई अपने बच्चे के दुत्कार में पागल है, कोई पागल है बच्चों के संग रहकर तो कोई बच्चों के लौट आने के इंतजार में पागल है, दुनिया में हर कोई पागल है। कोई धन दौलत बेशुमार में पागल है, कोई स्वयं के अहंकार में पागल है, कोई पागल है दुनिया की फिक्र में तो कोई खामखा बेकार में पागल है, दुनिया में हर कोई पागल है। कोई रास रंग श्रृंगार में पागल है, कोई सादगी भरे विचार में पागल है, कोई पागल है जीने के नए तौर तरीकों में तो कोई पुराने रिवाजों संस्कार में पागल है, दुनिया में हर कोई पागल है। कोई सुख में तो कोई दुख में, कोई सुख में तो कोई दुख भरे संसार में पागल है, कोई प्रकाश में तो कोई अंधकार में पागल है, पागल है यहाँ हर कोई एक दूजे को पागल बनाने में तो, पागल है यहाँ हर कोई एक दूजे को पागल बनाने में तो, कोई खुद को समझ बहुत बड़ा समझदार पागल है, दुनिया में हर कोई पागल है, दुनिया में हर कोई पागल है। एक और रचना लिखते रहते हैं वो प्रस्तुत है मेरे ये जिंदगी। मुश्किलों के साए में हर पल गुजर रही है जिंदगी, मुश्किलों के साए में हर पल गुजर रही है जिंदगी, रुक रुक कर चलती कभी तो चल चल कर कभी ठहर रही है जिंदगी, खोई रही मैं तो हमेशा बेहतर भविष्य के ख्यालों में, खोई रही मैं तो हमेशा बेहतर भविष्य के ख्यालों में, लेकिन अपने वर्तमान की बेहतर पलों से बेखबर रही ये जिंदगी, देखा सबको तो मुस्कुराते हुए, छीनने वाले को भी सब कुछ पाते हुए, सबको तो मिले अमृत के प्याले, पर अपने लिए तो हमेशा जहर रही है जिंदगी, खैर उम्मीदों का दामन थामे रखा है, खुद को मैंने संभाले रखा है, निराशाओं से हार कर कभी डूबी तो कभी जीत की आशाओं से उभर रही है जिंदगी। शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।
हेलो प्रिया जी का आभार, शुक्रिया। सब पागल, हर आदमी पागल, और किसी काम को पूरा करने के लिए भी पागलपन बेहद जरूरी है। बहुत आभार आपने एहसास कराया, और हम कहना चाहेंगे कि हमारे बीच ग्रीन पूर्णिया की टीम भी यहाँ पर उपस्थित है। उनके कार्यों को देखकर लोग भले कुछ भी कह लें, लेकिन स्वच्छता के लिए अगर पागलपन है जो दिखा है, तो पूर्णिया, ग्रीन पूर्णिया के जुझारू साथियों के बीच दिखा है, इनके कार्यों को दिखा है, जिन्होंने मंदिर, मस्जिद, गिरजा किसी में भी फर्क नहीं समझा, और हर जगह टीम का हौसला बुलंद हो, इसके लिए हम चाहेंगे कि पूरी ग्रीन पूर्णिया के लिए तालियां होनी चाहिए, तालियां से स्वागत करें। इसी बीच हमारे इजाज भाई का भी पदार्पण हो चुका है, बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है। और अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ सम्मान समारोह की ओर आगे बढ़ते हैं, के साथ तिवारी बाबा उन्हें सम्मानित करने के लिए ओम प्रदर्शन करेंगे, वो तैयार रहें, जिनकी प्रस्तुति होनी है उनसे भी हमारा आग्रह होगा कि वे भी तैयार रहें। इस बीच तिवारी बाबा हमारे बीच आ गए हैं। ओम प्रकाश जी, राजीव जी, आप पूजा मिश्रा जी को इतना अच्छा कार्यक्रम करने के लिए और आए हुए सभी अतिथियों का बहुत आभार। जो पूर्णिया एक नई दिशा की तरफ बढ़ रहा है, पूर्णिया में अनेक प्रतिभा है जो देखने को मिलता है। पूर्णिया के लोग पूर्णिया से बाहर, मुंबई में हो, हर जगह पूर्णिया का नाम रोशन किए हैं, तो हम पूर्णियावासी उनका साथ दें। जब भी कोई कार्यक्रम हो, कोई अच्छी बात हो, तो हम सभी उनके साथ हों, उनके कदम में कदम मिलाकर चलें। और आवाज़ 24 के माध्यम से ये जो कार्यक्रम हुआ, ये पूर्णिया में पहली बार शायद हुआ है, और आगे भी उम्मीद करते हैं कि ऐसा कार्यक्रम होते रहे। और नेपाल से जो भी लोग आए हैं उनका भी बहुत बहुत आभार कि भारत नेपाल की मैत्री सदियों से जानी जाती है, कि भारत नेपाल के बिना अधूरा है और नेपाल भारत के बिना अधूरा है। तो नेपाल से आए हुए अतिथियों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। साथ साथ मैं सभी लोगों को पुनः धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम में पुण्यवासियों का साथ देते रहें, कदम में कदम मिलाकर चलते रहें, ताकि पूर्णिया को नई दिशा मिले, यहाँ के युवकों को नया रोजगार मिले, नया संस्कार मिले। मैं पुनः पूजा मिश्रा और ओम प्रकाश जी को धन्यवाद देता हूँ इस कार्यक्रम के लिए, और आशीर्वाद देता हूँ कि इससे भी बड़ा कार्यक्रम वो करवाते रहे, ताकि पूर्णिया की पहचान बनी रहे। और पूर्णिया मांगी एयरपोर्ट में हम भी शामिल है कि पूर्णिया सबसे पुराना जिला है, लेकिन आज भी पूर्णिया उपेक्षित है यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के कारण, जो भविष्य में हुए, जो आज वर्तमान में है, कहीं न कहीं भविष्य और वर्तमान दोनों ने मिलकर पूर्णिया को बहुत पीछे ढकेल दिया। जो पूर्णिया का वजूद होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं है। आज पूर्णिया में एयरपोर्ट, पूर्णिया में एम्स, पूर्णिया में कई चीजें होनी चाहिए जो बिल्कुल नहीं है। वो तो हम सौभाग्यशाली हैं कि पूर्णिया में ऐसे योद्धा हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जो पूर्णिया का नाम निरंतर आगे बढ़ाते जा रहे हैं। माननीय कई लोग हैं पूर्णिया में जो पूर्णिया की प्रतिभा को सदैव निखारते आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। राजीव जी, इस बीच हमारे समक्ष
सामाजिक कार्यकर्त्री, शिक्षा जगत से जुड़ी श्रीमती शिवानी सिंह जी भी आई हुई हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। पूर्णिया रेलवे स्टेशन प्रबंधक श्री मुन्ना कुमार जी, श्रीमती शिवानी सिंह जी को भी हम आमंत्रित करना चाहते हैं। सभी गणमान्य लोगों को मेरा प्रणाम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ओम प्रकाश जी और पूजा मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि जिन्होंने इतने अच्छे इंटरनेशनल प्रोग्राम का आयोजन किया। और सबसे बड़ी बात है कि प्रोग्राम तो बहुत सारे होते रहते हैं, बट ये प्रोग्राम जो है बड़ा ही लॉजिकल है और बड़ा ही खास मुद्दों को लेकर है, जिससे कहीं ना कहीं हम सभी लोगों का लाभ है इसमें। और हम सभी लोग एक तरह से, चाहे वो व्यवसाय हो या फिर कला हो, आर्ट हो, कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ों को ये कनेक्ट करता है ये प्रोग्राम, तो ये बहुत ही अच्छा है। और मैं कहना चाहूँगी कि इस तरह के प्रोग्राम को करने के लिए इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही इस तरह के प्रोग्राम को आप करते रहें ताकि पूर्णिया का नाम भी रोशन हो। और पूर्णिया में क्या नहीं है, आप देख सकते हैं, चाहे एजुकेशन का लाइन हो, चाहे एग्रीकल्चर हो या फिर आर्ट हो, हर चीज़ से पूर्णिया भरा पड़ा है। बट अब हम लोगों का सिर्फ एक ही मांग है कि एयरपोर्ट, हमारे यहाँ पूर्णिया में एयरपोर्ट आना चाहिए बस। और हम चाहेंगे कि इस मंच के माध्यम से हमारा जो ये एयरपोर्ट वाला मुद्दा हो है वो भी कहीं ना कहीं सब लोग उठाएंगे, और हम लोग इस मुहिम में जो हम लोग एक साथ होकर पूरे पूर्णिया के लोग जो एयरपोर्ट के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं वो सफल हो। थैंक यू सो मच पूजा मिश्रा जी और ओम प्रकाश जी। आप सभी को नमस्कार, मैं नितिश चंद्रा, इस मन से मैं भी आपका स्वागत करता हूं। और सबसे पहले तो पूजा जी, ओम प्रकाश जी और राजीव जी, बहुत बहुत बधाई। और ये बहुत ही बेहतरीन पहल है, आप यूँ कह सकते हैं। मैंने कल पोस्ट भी किया था और सोशल मीडिया के माध्यम से ये सिर्फ पूर्णिया ही नहीं, पूरे देश में ये चर्चा होगी और होनी भी चाहिए कि आपने कुछ अनोखा, कुछ अद्भुत किया है। ये जो एक्सपो है ये निरंतर होते रहना चाहिए और इस तरह के आयोजन भी होते रहने चाहिए, इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं यहाँ देख पा रहा हूँ पूरे पूर्णिया में कई मेरे दिल के करीब कई लोग हैं जो यहाँ पर सामने मौजूद हैं। अगर मैं नाम लेने लगूंगा तो शाम हो जाएगी, हो सकता है। फिर भी ये जो मंच है, ये जो गरिमा है, इस मंच की जो गरिमा है, यहाँ पे नंदू भैया हैं, आदर भैया बड़े हैं, तिवारी बाबा जी हैं, मितेश मिश्रा जी हैं, अभी उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। तो मैं ये नाम, कुछ नाम है जो मुझे जरूर लेने चाहिए। पीछे राणा भाई हैं, तौफीक भैया हैं, शंकर भैया हैं, उधर पंकज नायक भैया हैं, इतने सारे लोग हैं जिनको एक एक नाम अगर मैं लेने लग जाऊं तो मैंने बोला शाम हो जाएगी। लेकिन ये मंच आपके लिए है, ये मंच पूरे पूर्णिया के लिए है और तमाम उन युवाओं के लिए है जिन्हें कल पूर्णिया को सींचना है। ये पूर्णिया आपको ही बनाना है। आज जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, बोलते हैं ना कि आज जो पेड़ हम लगाएंगे उसका फल जो भविष्य के बच्चे हैं वो खाएंगे। तो भविष्य के जो युवा हैं उनको ये सब देखना चाहिए, सीखना चाहिए। और आपको पढ़ लिख कर पूर्णिया से बाहर जाकर वापस अपनी मिट्टी, अपने पूर्णिया के लिए कुछ बड़ा आयोजन, बड़ा कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि भविष्य में और जो आपके बाद जो युवा आ रहे हैं उनको फायदा हो और पूर्णिया को फायदा हो। इस मन से सभी शिवानी जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, भैया आपको भी धन्यवाद। शिवानी बहुत ही बेहतरीन काम कर रही हैं और पूर्णिया की धरती से ही बिलोंग करती हैं। करीब 4 साल पहले मैंने इनको ट्रेन किया था पटना में, एक शो होता है मिस एंड मिसेस ग्लोबल बिहार, उसकी विजेता रह चुकी हैं, मिसेस ग्लोबल बिहार रह चुकी हैं, पूरे बिहार में इन्होंने पूर्णिया का नाम रोशन किया था। तो ऐसे रवि सूरज सुधा चौधरी जी हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पूर्णिया के नाम को, पूर्णिया के का जो सम्मान है उसको बढ़ा रहे हैं। तो इस क्रम में अगर हम एयरपोर्ट की बात ना करें, जो हम हर दिन कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं और आगे भी हमेशा करते रहेंगे, कि पूर्णिया में हमें एयरपोर्ट सिर्फ इसलिए नहीं चाहिए कि हमें हवाई यात्रा करनी है, पूर्णिया में हमें एयरपोर्ट इसलिए चाहिए क्योंकि पूरे कोसी सीमांचल, जो हमारा 8 जिला है आसपास, उनका विकास होगा, उनका प्रगति होगा, चाहे वो कला संस्कृति के क्षेत्र में हो, चाहे वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो, एजुकेशन के क्षेत्र में हो, ट्रेड के क्षेत्र में हो, जो भी आप देख पा रहे हैं, जो कि इनका मकसद भी था। पूजा जी और ओम प्रकाश जी से बात हुई थी तो आपने यही कहा था कि बेसिकली इनका मकसद सिर्फ ये नहीं कि आयोजन कर देना, 2 दिन आ जाएंगे लोग, भीड़ जुट जाएगी और मामला खत्म।
ये मैसेज है, ये बड़ा मैसेज है और ये विश्व स्तरीय मैसेज है कि पूरे देश दुनिया में ये खबर जानी चाहिए कि हम कितने समृद्ध हैं, हम कितने ज्यादा प्रभावी हैं। तो एयरपोर्ट जब यहाँ आएगा तो जो आज हम 10% है वो कल 90% जो खाली खाता बच गया है उसको हमें भरना है और पूरे देश दुनिया में पूर्णिया का नाम रोशन करना है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैं नीतीश चंद्र जी के लिए कुछ कहना चाहूंगी। एक्चुअली हमारे पूर्णिया में तो बहुत सारी कलाएं हैं, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन पर हमें प्राउड है, बट उसमें से एक नीतीश चंद्र जी भी हैं और वो पूर्णिया के लिए बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। बताइए कैसे अच्छा कर रहे हैं। तो मैं रूरल एरिया से बिलोंग करती हूँ, बट मुझे प्लेटफॉर्म पूर्णिया में खींच कर मुझे पटना ले जाने वाले नीतीश चंद्र जी ही थे और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि ये बहुत ही अच्छा काम करते हैं। मैंने इनके साथ बहुत सा 2019 में मैं इनके शो की विनर रह चुकी हूँ और पूर्णिया के लिए हमारे लिए बहुत ही प्राउड है नीतीश चंद्र जी। थैंक यू, धन्यवाद शिवानी। चलो अच्छा एयरपोर्ट पे जाएंगे हमारे नेपाल के आए हुए अतिथि। हेलो, तो इसके बाद नेपाल के हमारे भाई और हमारे सभी साथी लोग जो हैं 5 मिनट के लिए जहाँ एयरपोर्ट का तस्वीर लगा हुआ वहाँ चलेंगे, दो दो लाइन बोल के और फिर हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। अब मैं अभी हाल फिलहाल में अविनाश मिश्रा जी हमारे बीच आए हुए हैं और ये लोग दिल्ली में कार्यक्रम किए थे एयरपोर्ट के मामले को लेकर, जंतर मंतर में कार्यक्रम करना था, टिकट रिजर्वेशन के लिए डाल दिया गया और क्या हुआ कि लगभग 17-18 लड़के थे, किन्हीं का टिकट रिजर्व नहीं हुआ। अब क्या हुआ कि मुन्ना भैया हम लोगों को स्टेशन पर मिले, बोले चिंता नहीं है, हम लोग प्रयास करते हैं। यहां से लेकर कटिहार तक सारा सेटिंग गया, 3 ही सीट मिला। 3 सीट में 17-17 लड़के और नीचे लेट लेट कर गए। दूसरी आज की घटना है, 150 किलोमीटर धराम से लोग भी थे, कई लोग थे साइकिल के साथ में भ्रमण किए। अब उनको जाने की बारी आई कि अब उनको नेपाल जाना है साइकिल को लेकर, साइकिल चला कर नहीं जाना था। नॉर्म है कि साइकिल स्टेशन के अंदर नहीं जाएगा और न रेल में जाएगा। आप माल गोदाम में लेके जा सकते हैं, वो माल गाड़ी में लेके जा सकते हैं या बुकिंग करा के जा सकते हैं। अच्छा, तो ऐसा हुआ कि इनके कृपा से सब लोग चले गए। आज वो लोग गए और वो लोग पहुंच भी गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुन्ना भैया, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए अब मैं आग्रह करूंगा हमारे बीच में श्री राम सेवा संघ के संयोजक एवं साइकिलिंग एसोसिएशन के हमारे भाई सेक्रेटरी राणा प्रताप भैया, मुन्ना भैया, इकबाल भाई, हरे कृष्ण भाई और नीतीश चंद्र जी, शिवानी, पूजा, आतिश नाथी, टॉपिक आलम लिख रहे हैं। हम आग्रह करेंगे और विजय भैया आप किनारे क्यों आ गए, आप हेल्दी हैं देखेगा तो कोई बात नहीं है, नीतीश चंद्र जी के बगल में खड़े होइए। हाँ, अब मैं आग्रह करूँगा कि पूजा आ जाओ, पहले नारी शक्ति है। चलिए अब मैं आग्रह करूंगा पूजा जी और राणा प्रताप सिंह जी को बुके देकर और सम्मान पत्र देकर सम्मानित, मौका हम सबके भाईचारे का यह मिसाल बने, यह आयोजन आपस में प्रेम संबंध ऐसा बना रहे कि हम लोग मजबूती बढ़ रहे हैं। अब मैं बहुत हमारी और पूजा जी और ताली भी अगर बजेगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा।
तौफीक आलम जी को सम्मानित करें। सम्मान नहीं है, एक प्यार है, प्यार का हल्का फुल्का टच है, ये प्यार का टच है। ईश्वर से मानते हैं कि पूर्णिया के डेवलपमेंट में हम लोगों का यह टचिंग काम आए। युवा साथी हैं, बहुत लोगों को के दिल पे राज करते हैं। आप ही सनातनी जी, एक बार तालियों से स्वागत हो। कैमरा मैन से कहूंगा कि ग्रुप फोटो कर लिया जाए, थोड़ा सा आगे आ जाए, थोड़ा सा हल्का आगे, हल्का आगे। राणा भैया आप भी कृपया आगे आ जाए। अब यहाँ है, हम बोल रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग कोई गुस्साइएगा मत, सांस्कृतिक कार्यक्रम होना है उसको देख लें। हाँ, दो लाइन मैं कहना चाहता हूँ भैया कि ये जो साइकिल का प्रतीक है ना, आदमी का डेवलपमेंट हो रहा था तो पहले लोग पैदल चलते थे, उसके बाद साइकिल में हम लोग को नेपाल और भारत के बीच का जो एक खास करके पूर्णिया के लोगों से प्रेम बढ़ाया, यह मैं ईश्वर से बना रहे। पूर्णिया साइकिलिंग एसोसिएशन द्वारा एक साइकिल का प्रतीक नेपाल के हमारे पर्यटन बोर्ड के अधिकारियों को दिया जा रहा है। आप कृपया करके विजय भैया, राणा भैया, कृष्ण भैया आप प्रणाम करें। हाँ राणा भैया दो लाइन आप ही समझ, बहुत अच्छा लगेगा, आप बहुत अच्छे वाले। एसोसिएशन की टीम को आमंत्रित किया गया था नेपाल में और भूपेश सर ही उसके सारे नेतृत्व करता थे। और हम बता दें पूर्णिया के लोग लगभग 11-12 साइकिलिस्ट थे और 4-5 क्रू मेंबर, 15-16 लोग विराट हैं। उस तरह की सोच थी तो गर्व होता है हमें इनकी संस्कृति पर, इनके संस्कार पर, इनके अगवानी पर। तो शायद ऐसे कितने साइकिल, ऐसे कितना सम्मान इन लोगों के सम्मान में कम पड़ जाएगी जो एक वस्तु हम लोगों को मिला था। हमारे प्यारे भाई आए हुए हैं, शिक्षा की अलग जगाते हैं कि उसके बाद हमारे भरत थोड़ा सा खुल जाइए यार, और पीछे और पीछे। हम लोगों का ये जो सारा टीम है पूर्णिया का पावरफुल टीम है, और आज हम लोग इंटरनेशनल समिट है। मैं सर्वप्रथम आगाज करना चाहूंगा कि अविनाश जी एयरपोर्ट भी यहाँ पे संदेश बताती है, उनकी हॉकी की टीम भी है। मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लोगों का आंदोलन सब लोग मिलकर पूर्णिया एयरपोर्ट के विकास के लिए, पूर्णिया के डेवलपमेंट के लिए, सब लोग एक एक लोग, एक एक घर की नारी, बच्ची, बच्चे, अरे लड़का, अरे उसको थोड़ा उठ, अरे यहाँ कृष्णा भैया, विजय भैया, राधा भैया, किशोर जी आप ही आइए, किशोर जी आइए, आइए विजय भैया आइए ना, पंकज भैया नहीं है क्या, आइए विजय भैया, ऊपर आइए ना, प्लीज 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 आ जाइए। प्रतीक भैया, राणा भैया चले गए, और मैं पहले सबसे पहले एक पूजावान हूँ कि एक अच्छा जलजला वाला नारा पूर्णिया एयरपोर्ट का आप लगाइए और सब लोग उसके साथ में हम पूर्णिया मांगे, पूर्णिया मांगे एयरपोर्ट, पूर्णिया मांगे एयरपोर्ट, महिलाएं मांगे एयरपोर्ट, बच्चे मांगे एयरपोर्ट, नौजवान मांगे एयरपोर्ट, दादाजी मांगे एयरपोर्ट, चाचा मांगे एयरपोर्ट, काका मांगे एयरपोर्ट, भाई मांगे एयरपोर्ट, लेके रहेंगे एयरपोर्ट, जो नहीं दोगे एयरपोर्ट, जो नहीं दोगे एयरपोर्ट, छीन के लेंगे एयरपोर्ट, पूर्णिया मांगे एयरपोर्ट, पूर्णिया मांगे एयरपोर्ट। हमारा दो है एक ही सपना, अपना हमारा तो है एक ही सपना, पूर्णिया का एयरपोर्ट अपना, मेरा तो है एक ही सपना,
कि इस अभियान में आज इस मंच पर आदरणीय तिवारी बाबा उपस्थित हैं, मैं उनके चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूं। साथ ही बहुत सारे गणमान्य नेपाल के साइक्लिस्ट भाइयों के जो हमें आतिथ्य का दो दिन आतिथ्य का अवसर प्रदान किया है। साथ ही मैं बताना चाहूंगा विगत 5 वर्षों से एयरपोर्ट की लड़ाई हम लोगों ने लड़ी, कुछ चंद युवा साथियों ने इस लड़ाई का आगाज किया, लेकिन आज बहुत खुशी हो रही है कि जहां देखो वहां ही हमें एयरपोर्ट का अभियान नजर आता है, चाहे जिस मंच पर जाए, किसी शादी में जाए। नंदा जी, पूर्णिया में एयरपोर्ट जरूरी ही नहीं, बहुत जरूरी है। मैं पहले भी बोला कि पूर्णिया जिला सबसे पुराना है, पूर्णिया में जितनी सुविधाएं होनी चाहिए नहीं है। आज एयरपोर्ट होता तो पूर्णिया का तस्वीर कुछ और होता, यह कारखाने बड़ी बड़ी कारखाना बहुत सारा जो पूर्णिया में होता। पूर्णिया के साथ जाति की गई है। मैं सभी मीडिया बंधुओं से निवेदन करूंगा कि हम लोग के माध्यम से यह आवाज सरकार तक जाए कि पूर्णिया को आज तक उपेक्षित रखे हैं आप लोग। पूर्णिया वाले जग गए, पूर्णिया के सभी मीडिया बंधु जग गए, सभी नागरिक जग गए, हमें एयरपोर्ट चाहिए तो चाहिए, क्योंकि पूर्णिया का विकास तभी होगा सभी सटे हुए जिलों का जब यहाँ पे एयरपोर्ट चालू होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नंद भैया, आज बड़ी खुशी की बात है जो पूर्णिया में आज नहीं तो कल बरस दिन दो बरस में एयरपोर्ट होना ही है। जिस दिन उस एयरपोर्ट से मैं यहाँ एवं यहाँ का एयरपोर्ट से कहीं जाऊँगा तो मुझे गर्व होगा कि इस दिन मैं पूर्णिया के एयरपोर्ट के लिए गए आवाज उठाए थे, हम लोग नेपाल से आए थे। तो ये समय आप लोग ने दिए, आप लोग का धन्यवाद। और पूर्णिया में एयरपोर्ट होना जरूरी है क्योंकि हमारा प्रदेश नेपाल का नज़दीक सबसे नज़दीक एयरपोर्ट जब बनेगा तो पूर्णिया एयरपोर्ट बनेगा। उसके बाद हम लोग का दिल्ली शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए जाना पड़े, या तो कलकत्ता हम लोग का बिजनेस के लिए जाना पड़े, या गुवाहाटी हम लोग का धर्म कर्म के लिए जाना पड़े, या घूमने के लिए कश्मीर जाना पड़े। तो ये एयरपोर्ट हम लोग का नेपाल के लिए सबसे नज़दीक, नेपाल का पूर्व एरिया के लिए सबसे नज़दीक पड़ता है, इसीलिए इस एयरपोर्ट को होना जरूरी है, ज़रूर होना है। और इसी एयरपोर्ट को लेके पूर्णिया और समग्र बिहार का जो सेकंड लार्जेस्ट पूर्णिया, इसमें एयरपोर्ट होना बहुत जरूरी है। हम लोग अपनी जगह से भी, नेपाल से भी इस बात पर आवाज़ उठाएंगे। धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद भैया। अपना समापन हो रहा है, एक बात नारा के साथ 3 नारा मात्र लगाइए, प्रस्थान कीजिए। पूर्णिया मांगे एयरपोर्ट, पूर्णिया मांगे एयरपोर्ट, पूर्णिया मांगे एयरपोर्ट। चला गया सब धीरे धीरे। भवेश भैया, भवेश जी, आप FNCCI कोशी प्रदेश नेपाल। भागर मिश्र साहब को हम आमंत्रित करना चाहेंगे, वे आए और यहाँ पर अपने विद्यालय में आगामी कार्यक्रमों के बारे में क्या। हमारे नेपाल से आए साथी हुए आवाज 24 मीडिया एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के पूजा मिश्रा, पूर्णिया प्रेस क्लब अध्यक्ष नंदकिशोर सिंह, वरिष्ठ रंगकर्मी और कलाकार एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के ऑनर प्रकाश जी, आगंतुक अतिथियों का स्वागत सम्मान और यादगार क्षण को कैमरे में। आयोजक एवं प्रायोजक हैं कि बैठक एक्सपो 2023 के प्रायोजक पूजा मिश्रा जी, प्रेस क्लब ऑफ पूर्णिया के अध्यक्ष श्री नंदकिशोर जी का
देखिए विद्या विहार इंस्टीट्यूट पूर्वांचल का एक शीर्ष और बुद्ध के कई कोणों में आज अपने परिसर और आपका जो ये यहाँ है उनके नाम को फिर प्रतिदिन रोशन करता आ रहा है और भविष्य में भी हम लोग ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि हम लोग इस दिशा में बेहतर से बेहतर काम करने का प्रयास करते रहेंगे। संप्रति मेरे इस उद्बोधन का कुछ मकसद है, कुछ निहितार्थ है, उन्हीं मकसद और निहितार्थ से प्रेरित होकर मैं आपके समक्ष कुछ हमारी जो संस्था है विद्या विहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या ग्रुप ऑफ एजुकेशन और सूत चैरिटी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में जिला योग्यता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। वस्तुतः यह जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है इसके जो मोड हैं इसके मोड ऑनलाइन हैं, यानी कि परीक्षा का इसके जो आयोजन किए जाएंगे ये ऑनलाइन किए जाएंगे और सभी बच्चे प्रतिभागी जो हैं वो अपने अपने घर से इस एग्जामिनेशन में मोबाइल के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से या वो टैबलेट के माध्यम से वो इस प्रतियोगिता में भाग ले पाएंगे। ये जो इसका जो मकसद है, इस प्रतियोगिता का जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है पूजा जी का सहयोग करते हैं, सम्मान करने में आप कला के सिपाही हैं और मैं भी आ जाता हूँ पूजा जी आप यहाँ। आकांक्षा राम ग्रुप आप लोग हैं सीधा करके लाइन में फिर आगे से जाइएगा, एक तस्वीर खिंचवा लें आप लोग इस बीच में क्या हो गया। होली एंजल के बाद उन्हें भी सम्मानित किया जाना है। एयरपोर्ट के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, आपकी आधी बगल में रहिए और दोनों आदमी इस सम्मान के हकदार हैं, एक साथ लिया जाए। हाँ चलिए हाँ अविनाश नक्षत्र जी और इस रानू जी भी शायद अगर उपस्थित हैं तो जरूर आए मंच पर, बिना गुरु के ज्ञान बड़ा मुश्किल है। रानू जी खुद एक अच्छी प्लेयर रही हैं हॉकी की, आग्रह करेंगे इन्हें सम्मानित करें और आप सभी से अनुरोध होगा कि तालियों से इनका उत्साह वर्धन करते रहें। देखा होगा भारत के लिए स्वर्ण पदक मिला है, गौरव का क्षण है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चियां इस दफा इंटरमीडिएट और बिहार को तालियों से स्वागत करें। और हम नाटक की तैयारी से पहले हम ग्रीन पूर्णिया टीम के सदस्यों को आमंत्रित करना चाहेंगे। सतरंगी एंटरटेनमेंट की ओर से आगामी 9, 10, 11 को अप्रैल में रखा गया है, उसके बाद फिनाले 13 अप्रैल को होगा, इसके लिए इनका काउंटर लगा हुआ है, जरूर वहां पर जाकर जो भी इच्छुक छात्र हो, नौजवान हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, संपर्क कर सकते हैं। पूर्णिया अभियान के टीम के सदस्य यहां उपस्थित हैं, उन सबके हौसले को सलाम करते हुए उन्हें सम्मानित करने के लिए मैं आवाज 24 मीडिया एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड की MD पूजा अंजनी श्रीवास्तव जी से निवेदन करूंगा कि उन्हें सभी टीम के सदस्यों को सम्मानित करें, उन्हें एक स्मृति चिन्ह प्रदान करें।
मिश्रा जी और किशोर कुमार यादव जी यहाँ उपस्थित हैं, कृपया आप भी रहें। बहुत बहुत आभार वर्चुअल एकेडमी के बच्चे आ चुके हैं। वर्चुअल एकेडमी कृपया आप लोग आ जाए। गोपी सर आप भी कृपया करके अब को सम्मानित किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आभार। जिस तरह का कार्यक्रम आज ओम प्रकाश जी और पूजा जी ने आयोजित किया है, निश्चित रूप है और विकास को मद्देनजर रखते हुए वाजिब मांग है अविलंब पूर्णिया को एयरपोर्ट मिलना चाहिए। हम लोग सभी मिलकर पूर्णिया की आवाज को हुंकार बनाएंगे और दिल्ली सरकार झुकेगी, एयरपोर्ट मिलेगा और निश्चित रूप है पूजा जी का और ओम प्रकाश जी का जो यह कार्यक्रम है, जो कई मायनों में विशिष्ट कार्यक्रम है, आने वाले समय में पूर्णिया के। धन्यवाद एसएन जी, एसएन झा जी, और कृपया अभी थोड़ी देर में नाटक मंच होने वाला देखेंगे। नियाज भाई हम लोगों के बहुत एथलेटिक्स में कुश्ती संघ के और आम आदमी पार्टी के पार्टी समझ के नहीं, लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते सम्मान दिया जाए। अंजनी भाई एक बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं। और डांसर्स अरेंज करती हूँ। हमारा यहाँ पे कंपटीशन होने जा रहा है बिहार के, इसके लिए हम लोग यहाँ आए हैं और इस एक्सपो में आके पूजा मैम के माध्यम से आप लोगों से मिलने का मौका मिला। बस इतना ही कहूँगी कि कंपटीशन होने जा रहा है बिहार के अंदर, बहुत सारी जगह करेंगे। अभी अररिया में हो रहा है, 9, 10, 11 को ऑडिशन है और 13 को फिनाले है। जो भी चाहे, कोई उम्र की सीमा नहीं है, उससे पार्टिसिपेट कर सकता है। थैंक यू। इन्होंने चांदनी फिल्म जो श्रीदेवी की थी उसमें इन्होंने कोरियोग्राफ किया, तो ऐसी वहाँ हमारे बीच में है, यह बहुत बड़ी बात है। अब मैं पूजा किया, प्रकाश जी आप ही आइए और कृपया इसको सम्मानित कीजिए। आप भी पकड़ लीजिएगा जा सर, आइए। ओम प्रकाश मिश्रा जी, पूजा मिश्रा जी, नंदू भैया और यहाँ पे बैठे हुए जितने भी पूर्णिया के प्रबुद्ध जन लोग हैं, आप सबों की भागीदारी से पूर्णिया में ये एक्सपो लगने का जो काम हुआ है, ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है। और इस प्रयास में साथ में जो पूर्णिया मांगे एयरपोर्ट की जो मुहिम है, उस मुहिम को भी साथ में मिलकर के हम सबों ने यह आवाज़ बुलंद की है कि हम पूर्णियावासी को एयरपोर्ट चाहिए,
हम पूर्णियावासी को बेहतर सुविधाएं चाहिए। नेपाल से चलकर लोग आए, साइकिल पर चल के आए पूर्णिया, और आ करके हम सबों के बीच रह करके पूर्णिया की आवाज को उन्होंने जो आवाज दी है ये एक सराहनीय है। इसके लिए आप सभी जो आयोजक है, ओम प्रकाश मिश्रा जी, पूजा मिश्रा जी, आप सबों का दिल से धन्यवाद। आप ऐसे ही कार्यक्रम करिए। ये कार्यक्रम जो आपने इंडो नेपाल, जो नेपाल टूरिज्म और जो बिहार के लोग हैं, आप लोग के माध्यम से जो कार्यक्रम हुआ है बहुत ही सराहनीय है। इसको हर वर्ष प्रतिवर्ष आप करते रहिए, दिन दुगनी रात चौगनी करते रहिए आयोजन है। आप सबको फिर से दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद आप नाटक देखेंगे, नाटक बहुत अच्छी नाटक संवर्धित। शशि कुमार और सभी नाटक देखते जाएंगे, बहुत अच्छे नाटक है। नाटक में जो म्यूजिशियन है, बस कुछ ही क्षणों में आप देखेंगे नाटक संबंधिया, जिसके निर्देशक हैं शशि कुमार, शशिकांत। समाज प्रशिक्षण माना जाता है। मैं गुरुकुल के बच्चों को सिखाता हूँ, मैं उसके सदा पर चले मातृभूमि परम मित्र नंद किशोर जी कुछ तारीफ ऐसा करते हैं तो लगता है कि कहीं फिसल के गिर ना जाए नीचे। और सबसे बड़ी बात है इनका प्यार सम्मान है। इन्होंने आवाज की बात कही तो आवाज़ तो पूजा है, आवाज़ तो ओम प्रकाश हैं, आवाज़ राजीव हैं, आज आवाज़ कमर इकबाल साहब हैं। आज उन सबके सौजन्य से यहाँ एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, दो दिवसीय एक्सपो प्रोग्राम था, जिसमें व्यापार है, कला है, हर क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं। आप जरूर देखें घूमे और क्या कुछ हो रहा है इसकी जानकारी लें। इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई और आभार प्रकट करना चाहूँगा कि इतना बड़ा आयोजन करके परोसने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी और खुद को पीछे हो गए। मतलब जो आदमी खाना परोसता है लोग उसी को जानते हैं, रेडियो में जनरली अनाउंसर को लोग जानता है, स्टेशन डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर जो भी है उनको लोग नहीं जानता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, मुझ जैसे अदना कलाकार को बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत आभार। जब जोफी जी 25-30 साल से रेडियो में, हमारा बच्चा कहता था कि पापा गोपी चचा रेडियो में घुस कैसे गए, ये छोटी रेडियो में भीतर में ढूक के बोल रहे हैं। तो बहुत पुरानी बात है, गोपी जी मेरे करीब 35-40 वर्षों पुराने मेरे परिचित हैं, बल्कि 40 साल हुआ। अभी थोड़ी देर में बहुत अच्छा नाटक जिसे हम लोग 90 में किए थे वो होने वाला है, सामने देखा जाए। यहाँ पे हेलो और सत्येंद्र गोपी जी हमारे रेडियो के अच्छे उद्घोषक किसान मानी को देखने वाले, इनकी आवाज से ही लोग समझ जाते हैं कि सत्येंद्र गोपी बोल रहे हैं। मैं और आप भी हाथ बता दीजिए चौधरी जी, आप भी आ जाइए। आप
यह सम्मान प्यार का विस्तार है। सामने देखिए मैम, यहाँ पे हेलो मैम। चलिए और अगर संबंधिया के निर्देशक यहाँ पे हैं तो मैं आग्रह करूंगा कि एक बार मेरे बगल में यहाँ पे आ जाए, उनसे गुफ्तगू करनी है। ये हमारे नेपाल के भाई साहब हैं जो साउथ एशियन स्कूल ऑफ टूरिज्म का इन्होंने ये बैनर लगाया था। नेपाल से कोई आके हमारे यहाँ मार्केटिंग के लिए बैठा हुआ है तो हमारे दिल और आंगन में बैठे हैं, इनका बहुत बहुत चलिए बहुत ये मैं कहना चाहूँगा कि ओम प्रकाश जी के जन्मदाता पिताजी हैं और ये पिता यहाँ पे सामने दीजिए सर है, कहानी है संवदिया। संवदिया का मतलब होता है संवाद पहुंचाने वाला। ये संवाद कौन पहुंचाता है? संवदिया जो है वो बड़ी बहुरिया है, बड़ी बहू है खानदान की। वो जाती, वो बहुत तीनों भाई ने उसे जमीन जगह से बेदखल कर दिया है, कोई खाना पीना नहीं मिलता है उसको। और वो आखिरकार संवदिया को कहती है कि जाओ मेरी माँ के पास, मेरे भाई के पास, हम वहीं जा करके कुटना पिसना करेंगे, सेवा करेंगे और दो रोटी खाएंगे। तो तुम संवाद लेके जाओ कि बेटी की हालत बहुत ख़राब है, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, नहीं तो मैं डूब मरूँगी। संवदिया जाता है वहाँ बोलने के लिए बड़ी बहुरिया की माँ को, लेकिन वो बोल नहीं पाता है, इतनी बूढ़ी है और असहाय है। और इसके बाद वो खाने को तरसती है और ऐसी जगह पर है वो कि वहाँ उसे बहुत कष्ट है, वो ये कह नहीं पाता है। सोचता है कि ये हमारा जो गांव है उसकी भी बेइज्जती होगी, बड़ी बहुरिया की बेइज्जती होगी, इसलिए अपने इज्जत को बचाने के लिए संवदिया कोई भी बात बताता नहीं, उल्टे ये संवाद देता है कि वो बहुत खुशहाल है और आप लोगों को भी बुलाया है, वो भी आएगी कभी घूमने के लिए दशहरा के मेले में। तो वो झूठ बोल करके अपनी बात को संवाद नहीं पहुंचा करके वो वापस बैरंग लौट आता है अपने घर। एक मार्मिक कहानी है, इमोशनल कहानी है, उसी को हम आपके सामने रख रहे हैं। ये नाटक हमारे द्वारा निर्देशित था, 5-6 साल पहले हमने इसको निर्देशन इसका हमने किया था, जो बाद में फिर शशिकांत ने संभाला है और शशिकांत इसको करते चले आ रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं शशिकांत को और भनक के कलाकार को भी जो इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं नाटक का भूखे प्यासे आपकी सेवा के लिए, आपका एंटरटेनमेंट के लिए। तो मैं उनसे क्षमा मांगता हूं और कहता हूं कि होशो हवास में जोशो खरोश के साथ नाटक की प्रस्तुति करें